तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट किया था। तो इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 9। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3 5 8 आर। क्या कहा? दो दो वाटर टैप, ठीक है, से वन इज टैप ए अनदर इज टैप बी, दोनों मिल के एक वाटर टैंक को 9 3 by 8 hours में फिल कर देते हैं। कितने टाइम में फिल कर देते हैं? 9 3 by 8 hours। ओके, देन द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ओके, क्या कहा कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैंक टैप है, से ये आपका जो टैप है इसका डायमीटर ज्यादा है और ये जो आपका टैप है इसका डायमीटर कम है, ठीक है। तो ये वाला जो टैप है सेपरेटली, अगर सिर्फ आप इसी टैप को ओपन करोगे, जितना टाइम इस टैप के थ्रू, जैसे कि मान लो अगर मैंने सिर्फ टैप ए को ओपन किया, तो मान लो इस टैंक को फिल होने में एक्स आर लगा, कितना टाइम लगा? एक्स आर। तो टैप बी को अगर मैं सेपरेटली ओपन करूंगा, तो ये इस टैंक को जितना टाइम इस टैप के थ्रू इस टैंक को फिल होने में लगा था, ये उससे 10 घंटे पहले फिल कर देगा एक्स माइनस टैन। मीन्स अगर आपने सिर्फ ये स्मॉल डायमीटर वाला टैप अगर आपने ओपन किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको से 15 आवर्स लगे टैप को टैंक को फिल करने में, तो ये वाला जो टैप है इस टैंक को 5 आवर्स में फिल कर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी कि सिर्फ अगर हम एक टैप अगर ओपन करेंगे, तो जितना टाइम स्मॉलर डायमीटर वाला टैप लेगा इस टैंक को फिल करने में, ये लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है उससे 10 घंटे कम लगे। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको वो टाइम फाइंड करना है जिसमें ये जो दोनों टैप, मीन्स स्मॉलर डायमीटर वाला टैप और लार्जर डायमीटर वाला टैप सेपरेटली कितना टाइम लेंगे इस टैंक को फिल करने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप से एक्स आर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लार्जर टैप जितना स्मॉलर टैप टाइम लेगा वो उससे 10 घंटे पहले फिल कर देगा, दैट इज एक्स माइनस टेन। अब जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, फोर स्मॉलर टैप, हमने क्या एज्यूम किया कि स्मॉलर टैप जो है एक टैंक को फिल करने में एक्स आर का टाइम लेगा, तो लार्जर टैप जो है उसी टैंक को फिल करने में एक्स माइनस टेन आर का टाइम लेगा, राइट? सारी बात क्लियर है। तो अगर एक्स आर में ये वन टैंक फिल करेगा, तो वन आर में कितना पोर्शन ऑफ टैंक फिल करेगा? 1/x। अगर आप ये कहते हो कि कोई टैंक को फिल करने में 10 आवर्स में एक टैंक फिल होगा, तो मैं अगर आपसे पूछूं 1 आवर में कितना फिल होगा, आप यही कहोगे ना कि 1/10 of 10, यानी कि उस टैंक का 1/10 पोर्शन फिल होगा। तो अगर एक टैंक को फिल करने में एक्स आर लगेंगे, तो 1 आवर में कितना टैंक को फिल होगा? उस पूरे टैंक का 1/x पोर्शन, ठीक है। तो 75/8 hours में कितना फिल होगा? 75/8 × 1/x। अगर 1 hour में 1/10 पोर्शन फिल होगा, और अगर मैं आपसे ये पूछूं 2 hour में कितना फिल होगा, तो आप ये कहोगे ना 2 × 1/10। 75/8 की बात क्यों हो रही है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों टैंक मिलके इस टैप को 9 × 72 + 3 = 75/8 hour में फिल कर देते हैं दोनों टैंक मिलके। मैंने ये देखा 75/8 hour में स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है इस टैंक का कितना पोर्शन फिल करेगा। अगर 1 hour में 1/x पोर्शन फिल करता है, तो 75/8 hour में 75/8 × 1/x पोर्शन ऑफ टैंक फिल करेगा। सिमिलर वे लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है हमारा, वो एक टैंक को x माइनस 10 hour में फिल करेगा, तो जितना टाइम सेपरेटली स्मॉलर टैप लेगा ये उससे 10 घंटे जल्दी फिल करेगा, राइट? तो अगेन, अगर x माइनस 10 hour में एक टैंक फिल होता है, तो 1 hour में कितना पोर्शन फिल होगा? 1/x − 10। तो 75/8 hour में कितना फिल होगा? 75/8 × 1/x − 10।
75 बाय डार्क में कितना फील होगा, 75 बाय 8 इनटू 1 बाय एक्स माइनस 10। इसको आप ऐसे समझो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों मिलके इस टैंक को 75 बाय 8 आर में फिल करते हैं। तो इसे स्मॉलर टैप वाला जो टैंक है, जो स्मॉलर टैप जो है वो इस टैंक को 75 बाय 8 आर में इतना पोर्शन इस टैंक का फिल कर देगा, जो मैं रेड रेड शेड में आपको शो कर। तो लार्जर डायमीटर वाला जो टैंक है वो इस टैंक का 75 बाय 8 आर में वो इतना पोर्शन फिल कर, ठीक है। और दोनों मिलके यानी कि ये प्लस ये मिलके एक पूरे टैंक को 100% फिल कर देंगे। जैसे कि आप ये देखो, वन टैंक जो मान लो 4 आवर्स में फिल होता है, 1 आवर में कितना फिल होगा, इसका बनता है 4 पोर्शन। तो 10 आवर में कितना फिल होगा, 10 × 1/4। इसी लॉजिक से ये जो सारी वैल्यूज बनाई है हमने वो इसी कंसेप्ट से बनाई है। स्मॉलर टैप जो है 75 बाय 8 आर में इस टैंक का इतना पोर्शन फिल करेगा, लार्जर टैप जो है 75 बाय 8 आर में इस टैंक का इतना पोर्शन फिल करेगा, बट दोनों मिलके उस टैंक को 100% फिल कर देंगे। 100% का मतलब 100 बाय 100 दैट इज 1, तो इक्वल टू, इसीलिए हम 1 लिखते हैं। स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, रट्टा वेकेशन करते हैं कि दोनों टैप मिलके इस पूरे टैंक को फिल कर देंगे तो इक्वल टू 1। पर ये 1 का मतलब क्या है, लॉजिकली इसका मतलब ये होता है कि दोनों टैप मिलके 75 बाय 8 आर में उस पूरे टैंक को 100% फिल कर देंगे। 100% का मतलब 100 बाय 100 दैट इज 1, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 75 बाय 8 ये आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 10 एंड इक्वल टू 1। यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x माइनस 10, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल हैव x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा एंड x बन जाए x इक्वल टू 1। देन x प्लस x दैट इज 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1। सेवेंटी फाइव टू जा 150x माइनस 75 इंटू 10 750 अपॉन 8 इंटू x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10x 80x इक्वल टू 1। 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। व्हाट वी विल हैव, 8x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 150 देन मूव टू द राइट हैंड साइड दैट इज माइनस 150x माइनस 750 रूट मूव टू द राइट हैंड साइड दैट इज प्लस 750। Then 8x square minus 80 minus 150 that is minus 230x plus 750. Okay, now you can see that 8, 230, 750, 0 ये सारी वैल्यूज आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जितना अगर कभी भी कोई ऐसी क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें डिवाइड कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, इसको आगे सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 230 को 2 से डिवाइड करोगे 115, 750 को 2 से डिवाइड करोगे 375। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, ये हो गया 375, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, 4 का तो आपको पता ही है फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 = 4। ये वाला जो 4 है इसके फैक्टर तो आपको पता ही है क्या होंगे, 2 और 2, तो बचा क्या 375। 375 को क्या करोगे, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, राइट। अब इन सभी नंबर्स को यूज करके कोई भी ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, इनको प्लस या माइनस करके माइनस 115 आ जाए। तो देखो
फाइव फाइव जा 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100 और 53 जा 15। अब 100 प्लस 15 करोगे तो 115 आएगा, लेकिन आपको चाहिए माइनस 115। तो क्या कर सकते हो आप, माइनस 100 माइनस 15। तो ये जो माइनस 115 एक्स न्यूमरेटर टर्म है, इसको हम स्प्लिट करेंगे एज माइनस 100 एक्स और माइनस 15। फ्रॉम दीज टू टर्म्स 4x विल बी द कॉमन टर्म, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x माइनस 25। फ्रॉम दीज टू टर्म्स माइनस 15 विल बी द कॉमन टर्म, विद इन ब्रैकेट x माइनस 25। जीरो इक्वल टू आउट ऑफ दीज टू टर्म्स x माइनस 25 विल बी द कॉमन टर्म एंड वी विल हैव 4x माइनस 15। Now, either 4x minus 15 equal to 0 or x minus 25 equal to 0. The 4x minus 15 equal to 0 होगा तो 4x इसके equal होगा 15 के, और x equal to 15 by 4 तो x आ जाएगा 3 by 4। ये possible नहीं है। On the other hand, x minus 25 equal to 0 तो x की value क्या आ जाएगी, 25। ये क्यों possible नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 जा 16, 16 plus 3 19 by 4। मतलब है कि स्मॉलर टैब जो है उसको 19 बाय 4 आर में फिल करें, ठीक है। 19 बाय 4 मोटा मोटा अगर आप ये देखिए, चलो अप्रोक्सीमेटली चलो उसको 28 की अगर मैं लेता हूँ तो 5 आर, तो स्मॉलर टैब उसको 5 आर में फिल करेगा, तो लार्जर टैब उसे 10 घंटे कम टाइम में फिल करेगा। तो 5 माइनस 10 का मतलब क्या हो गया, माइनस 5। अब टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, दैट इज वाई ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि ये 3 बाय 4 फ्रैक्शन में इसलिए पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं, लॉजिकली नेगेटिव में टाइम पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। ये पॉसिबल है कि स्मॉलर टैब जो है उस टैंक को फिल करने में 25 आवर्स लगाएगा सेपरेटली, और लार्जर टैब उसको 10 घंटे पहले फिल कर देगा, दैट इज 15 आवर्स। 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, तो ये आपका मैसूर है, ये बेंगलोर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है 132 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक इतना टाइम इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक पैसेंजर ट्रेन लेती है, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन T1 लेती है टाइम इस डिस्टेंस को कवर करने में। एक्सप्रेस ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन जितना भी टाइम लेती है उससे 1 hour लेस लेती है। अगर ये T1 है तो एक्सप्रेस ट्रेन T1 माइनस 1 hour लेती है, ओके। विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, स्टेशन पे रुकने का टाइम वो इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ जो ट्रेवलिंग टाइम है उसके बेसिस पर ये बात की जाए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है, से अगर आप ये कहते हो कि जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी इसकी जो स्पीड होगी इससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर, दैट इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी। जो डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमने ये माना कि जो पैसेंजर ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है या जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उसे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, दैट इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम लेगी इस डिस्टेंस को कवर करने में, वो पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेगी उससे 1 hour लेस होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम लेगी इस डिस्टेंस को कवर करने में, पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेगी उससे 1 hour क्या होगा, लेस। अब वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो जो है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा 132 किलोमीटर,
एक्सप्रेस ट्रेन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 132 है, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x+11 है। इन केस ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन अगेन डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा 132, पर जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो x है -1। अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 132 बाय एक्स बाय एक्स प्लस इलेवन, यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x। 132 माइनस एक्स वन जा एक्स, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 132 इनटू एक्स, 132 एक्स इक्वल टू 132 माइनस एक्स इनटू एक्स प्लस 11। देन 132 एक्स, 132 इनटू एक्स क्या हो जाएगा, 132 एक्स प्लस 132 इनटू 11 1452, माइनस एक्स इनटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -11x, ओके। देन देखो 132x को कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अगर इक्वालिटी का साइन हो और दोनों साइड सेम वैल्यू हो विद सेम साइन तो वो कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ये प्लस जब यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद, अगर ऑर्डर वाइज लिखोगे तो पहले हाईएस्ट डिग्री -x2 देन -11x देन +1452 इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू -x2। अब देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है 1452, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 को फैक्टराइज करना, और इस तरह से दो नंबर हमें फाइंड करने हैं इन फैक्टर्स के थ्रू, तो इनको प्लस माइनस करके -11, ठीक है? तो 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, एंड 11 3 जा 33, 44 और 33 का जो डिफरेंस है वो 11 होता है, बट हमें -11 चाहिए, तो माइनस का 44 प्लस का 30, ये हो गया -x2 -44x प्लस 33x प्लस 1452। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे व्हाट वी विल हैव माइनस एक्स, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा एक्स प्लस 44 प्लस 33, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा एक्स प्लस 44। देन एक्स प्लस 44 कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 33। अब ये जो फैक्टर्स हैं आपके ये इक्वल टू 0 है, ये 0 कब हो सकता है, जब या तो ये फैक्टर जो है ये 0 हो जाए, 0 इनटू एनीथिंग 0, या ये वाला जो फैक्टर है ये 0 हो जाए, तो 0 वो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही होगा, तो अगर ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर ये फैक्टर अगर आपका 0 के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे? देखो ये प्लस 33 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -33 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 33। इट मीन जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी 33 प्लस 11, दैट इज 44 किलोमीटर पर। ओके, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 44 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। क्या था? दो स्क्वायर हैं, तो ये स्क्वायर वन ये स्क्वायर टू, दोनों स्क्वायर का जो एरिया, से स्क्वायर वन का जो एरिया हो गया वो ए वन हो गया, और स्क्वायर टू का जो एरिया वो ए टू हो गया, दोनों स्क्वायर का जो एरिया इसका जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल। ओके, देन इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरिमीटर इज 24 मीटर। अब ध्यान से देखो, अगर आप डिफरेंस किसी भी दो वैल्यू का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, इट मीन्स बड़े स्क्वायर के पैरामीटर से हमने छोटे स्क्वायर के पैरामीटर को माइनस किया है, तब भी ये डिफरेंस 24 मीटर है।
ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर हो गया आपका और ये छोटा स्क्वायर हो गया, राइट। जो बड़े वाला स्क्वायर है से इसकी जो साइड है वो भी एक्स, और जो छोटे वाला स्क्वायर है इसकी साइड वो भी वाई। तो बड़े वाले स्क्वायर के जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 4x, और छोटे वाले स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, 4y। इसमें से जब आपने इसके पैरामीटर को माइनस किया तो ये आपका 24 है, कितना है, 24। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, साइड ऑफ द टू स्क्वायर मीन जो इनकी ये जो साइड है हमें इसको फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स। हमने स्मॉलर स्क्वायर की साइड को एक्स ले लिया तो लार्जर स्क्वायर की साइड क्या होगी, वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो एरिया है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, या फर्स्ट केस आप कह सकते हो कि जो इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया है इसका जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ये हो गया आपका स्टेप वन। सेकंड केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर का जो डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, और डिफरेंस तभी पॉजिटिव आता है जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आप माइनस करते हो। इट मीन्स बड़े स्क्वायर के पैरामीटर में से छोटे स्क्वायर के पैरामीटर को आपने माइनस किया, तो बड़े स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया, 4y, छोटे स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया, 4x। तो आपने 4y माइनस 4x किया है तभी वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज 24। ओके, देन अगेन मैंने आपको अभी बताया था अगर कोई भी इक्वेशन किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होती है उसके सारे जो टर्म्स हैं तो वो डिवाइड कर देना चाहिए जिससे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। तो यहाँ देखो पूरी इक्वेशन जो हमारी 4 से डिवाइड हो जाए तो डिवाइडिंग बाय 4, ये हो गया वाई, 4 1 4x, 4 6 24, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब ये जो भी ये y की वैल्यू आई है ये उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो ये आपका स्टेप 1 था, ये स्टेप 2, और अब यहाँ पर आपने पुट कर दिया, ये स्टेप 3 स्टार्ट हो रहा है। तो y की जो भी ये वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस, तो y की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस 6, तो y स्क्वायर है तो x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 460 है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 460 है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 6 टू जा 12x प्लस 468 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस 468 इक्वल टू 0। What we will have? 2x square plus 12x minus 468 plus 36. क्या रिटर्न करेगा, माइनस 432 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। Now dividing both sides by 2, ये हो जाएगा x square, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। 2 1 6 के जब आप फैक्टर बनाओगे 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इन सभी फैक्टर्स, ये नंबर्स को यूज करके हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 6 आना चाहिए। तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एंड वी नो दैट 18 माइनस 12 जो होता है वो आपका 6 होता है। बट वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा विद इन ब्रैकेट x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन विद इन ब्रैकेट x प्लस 18 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल हैव, x प्लस 18 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 18 जीरो के इक्वल होगा तो x माइनस 18 आ जाएगा। स्क्वायर की साइड का कोई नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर x माइनस 12 जीरो के इक्वल होगा तो x 12 आ जाएगा, स्क्वायर की साइड 12 हो सकती है, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 थी हमारी y इज इक्वल टू x प्लस 6, x की जगह जैसे हमने 12 पुट किया तो y आ गया 18। इट मीन्स
स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड है वो होगी 12 सेंटीमीटर, और लार्जर स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी क्या होगी 18 सेंटीमीटर। ओके नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 4.3। अब हमें अब एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में बची हुई है, दैट इज एक्सरसाइज 4.4, जिसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और इस चैप्टर के, वो मैं आपके असाइनमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको असाइनमेंट करवाऊंगा इस चैप्टर की। एक्सरसाइज 4.4 आई थिंक नेक्स्ट क्लास में लेना ठीक रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये तो 4.3 एक्सरसाइज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ऑलरेडी 11 क्वेश्चन में से अगर मैं कहूँ तो 4 to 11 तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर नेक्स्ट क्लास आपने पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर, यानी कि ऑल 11 क्वेश्चन। एनी डाउट लेट मी नो, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। ओके।